मानसून जल्द ही देश भर से विदाई लेने वाला है। हालांकि जाते जाते मानसून की बारिश बिहार और यूपी के कई इलाकों के लिए आफत बन गई है। स्क्रीन पर आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये बिहार के भोजपुर जिले की है। यहां बाढ़ जैसे हालात हैं। गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से आरा शहर बाढ़ की चपेट में आ गया है। खासतौर पर बढ़हरा और शाहपुर प्रखंड के कई पंचायतें जलमग्न हो गयी है। देश भर की नदियों के उफान से जल प्रलय का संकट गहराता जा रहा है। गंगा का भी रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, जिससे तटवर्ती इलाकों के गाँव और खेत डूब चुके हैं। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर शाहपुर और बढ़हरा प्रखंड में देखा जा रहा है। पानी इस कदर फैल गया है कि लोगों के घरों में भी जल भर गया है। ऐसे में ग्रामीणों को अपने आशियाने छोड़कर अपने परिवार और मवेशियों के साथ बांध पर शरण लेना पड़ा है। बाढ़ की वजह से स्कूल और बाजार भी बंद हो गए हैं, जिससे खाद्य सामग्री की किल्लत हो रही है। जब लोकल 18 की टीम ने बाढ़ से प्रभावित लोगों से बातचीत की तो उन्होंने अपनी पीड़ा सुनाई। एक ग्रामीण ने कहा, हमारी बात सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे घरों में बाढ़ का पानी घुस गया है और हम यहाँ बांध पर शरण लिए हुए हैं। हमारे पास ना तो तिरपाल है और ना ही खाने के लिए राशन। हम और हमारे छोटे बच्चे भूखे और से इस बाढ़ की परेशानी को झेल रहे हैं। साधन ने के कुछ गेरू नल सब अपन जैसे तैसे बांध के आदमी रखी। सरकार कुछ साधन ने के करत कब से बांध के आप बांध पे अब ये बरसी पानी काफी। हां आगन घर में सर पानी ठूक गई बाटे, निकले का जगह नहीं के। दीदी दीदी बच्चा लेके घर आई बन जा, छत पर रहत नहीं जा। कोई आया है कि नहीं? ना कोई आया नहीं। हां कहीं तिरपाल वगैरह चेक? ना कुछ तिरपाल पर कुछ नहीं के मिला, कुछ नहीं है। ना कोई व्यवस्था नहीं है। परेशानी यही है सर कि हमारे घर में तो पानी घुस गया, अभी कोई रहने का शरण भी नहीं है। अब हम लोग बांध पर जा रहे हैं, वहाँ भी कोई रहने का तो ऊपर का व्यवस्था है नहीं। खुले आसमान के नीचे रहेंगे और माल गोरु पशु भी वो भी है और हम लोग यही है। खाने का सामान निकले हैं? हाँ सामान गया हुआ था बहुत। मिला है एक बार, अभी ना ही आए तो एक बार ले गया है। नहीं रहने कोई व्यवस्था नहीं है। कैसे आप जा रहे हैं? अपना अपना व्यवस्था करेंगे, क्या करेंगे? कुछ तानेंगे, चिमकी होगा जो भी होगा। नेपाल पर कुछ नहीं मिला? अभी कुछ नहीं मिला है। पशु के चारा के लिए कुछ नहीं सर। घर के लोग और बांध पे सर? सारे बांध पे चले गए। बढ़हरा प्रखंड के सोहरा गांव में रातों रात बाढ़ ने तबाही मचा दी। सैकड़ों ग्रामीण जान बचाने के लिए नजदीकी बांध पर पहुंचे हैं, जहां वे टेंट और तिरपाल लगाकर जीवन गुजार रहे हैं। पीड़ितों ने बताया कि एकाएक पानी बढ़ा और वे जब सो रहे थे तभी बाढ़ आई। सुबह उठने पर देखा कि चारों ओर पानी ही पानी था। ग्रामीणों ने किसी तरह जरूरी सामान उठाकर सोहरा बांध पर शरण ली। उन्हें एक बड़ी नाव भी मिली जिससे मवेशियों को बाहर निकाला जा